तो डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का जिनका एग्ज़ाम है पर्यावरण शिक्षा एवं आपदा प्रबंधन, यानी कि एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तो इसका एक सोल्ड पेपर है। जो नोट्स मिले हैं उनमें आपको ऐसा नहीं मिला है कि नोट्स की तरह का, ये इसमें पेपर भी आपको मिलेंगे 2-4 साल के और इसमें थोड़ा सा आपको लिखित भी मिलेगा, तो दोनों तरह की इसमें चीज़ मिलती है। पतला सा है काफ़ी, और आपको दिखा दूँ कितना याद करना है। देखिए इतना याद करना है आपको, केवल इतना, इसमें से भी ये आप देख सकते हैं, इतना याद करना है इसमें से केवल, और इतना जो है ना इसमें आपके पेपर हैं, ये पेपर दिए हुए हैं, इनमें से आप जो पिछले साल के हैं वो सब आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं, और इसमें यहाँ पर बहुविकल्प भी दिए गए हैं। तो यूनिट की बात करें तो इसमें आपको 5 यूनिट यानी 5 चैप्टर करने हैं। पहले में परिचय दिया गया है, परिचय यही भाई क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है, वो इसमें आपको परिचय देना है, वही है पर्यावरण जिसमें आप रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, वो सब इसमें परिस्थिति से जुड़ी हुई चीज़ें आपको बताने को मिलेंगी। एक दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिएगा, एक क्वेश्चन दिखा देता हूँ, समझ में आ जाएगा कितना आसानी से याद करना है। यह है खनन के संघात अथवा प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अब आप देख सकते हैं किसी क्षेत्र में खनन उद्योग के विकसित होने से उस क्षेत्र के जीवन स्तर पर प्रभाव पड़ता है, इससे बड़ी संख्या में कारीगरों को रोजगार मिलने की संभावना रहती है। खनन उद्योग से न सिर्फ आधुनिक जीवन शैली की सभी सुविधाएं वहां आ सकती है बल्कि उसकी बुराइयां भी आ सकती है। मिक्स करके लिख दीजिएगा, खनन क्या होता है भाई, जैसे होता नहीं कोयला खनन करते हैं, कोयला खोद करके निकालते हैं, वही खनन है। जैसे कोयला खोद करके निकाला जाता है उसी तरह से खनन के बारे में आप बना करके लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे ना याद हो जाएगा, इसमें रटने वाली बात ही नहीं है, सब कुछ ऐसा है कि जो आपको समझ में आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नगरीय क्षेत्रों में भूजल तल के नीचे होने के कारणों एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। इसका कहने का मतलब है आपने देखा होगा जो नगर में आप जिसमें रहते हैं जिसे नल लगाया हुआ है आपने, तो कहते हैं ना लेवल नीचे चला गया, वाटर लेवल नीचे चला गया है। पहले 180 फुट पर आपने बोरिंग कराया था, अब आगे जाकर के आपको 220 पर जाकर के बोरिंग कराना पड़ रहा है। कारण क्या है कि जो पानी का स्तर वो नीचे चला गया, उसी के ऊपर आपको इसके ऊपर टिप्पणी करके लिखनी है, यही है और कुछ नहीं है, मुश्किल इतना कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो आपकी दूसरी यूनिट है, यानी कि दूसरा आपका जो चैप्टर है प्रदूषण, इसको समझने के लिए तो कोई अलग से आपको कुछ करना है नहीं। यहाँ आप देखें प्रदूषणों के स्रोत तथा पर्यावरण पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। प्रदूषण तो कितने तरह के हो सकते हैं ना, औद्योगिक स्रोत, जैसे कि भाई आपने कोई कंपनी है, फैक्ट्री लग रही है, वहाँ से कचरा कूड़ा निकलता है, गैसीय प्रदूषक, ठीक है, ठोस प्रदूषक, नगरीय स्रोत, कृषि स्रोत, जनसंख्या स्रोत, कुछ भी अलग से नहीं है भाई। कहाँ कहाँ से प्रदूषण निकलता है, प्रदूषण होता क्या है, ये सब आपको बताना है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जैसे आपने कभी निबंध भी लिखते थे पहले हम जब छोटे थे, वही इस चैप्टर में पूरा बताया गया है। तीसरा चैप्टर देख लेते हैं, विधान यानी लेजिस्लेशन। देखिए इस चैप्टर का उद्देश्य है कि जो भी हम केमिकल बना रहे हैं, जो भी इस तरह की केमिकल वाली चीज़ें बना रहे हैं, उससे कितना नुकसान पहुंच रहा है, उसे हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन है कि भयावह रसायनों के निर्माण, भंडारण एवं आयात संशोधन नियम 2000 की विवेचना कीजिए। यानी जो खतरनाक रसायन है जिनका हम निर्माण करते हैं, उनके ऊपर एक अधिनियम, एक कानून बनाया जाता है, उसी के ऊपर है, बड़ा आसान है। भयावह अपशिष्ट संशोधन, ये भी जो भी कुछ इस तरह के पदार्थ हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में कानून बनाया गया है, वो चीज़ इसमें दी गई है। तो पूरा चैप्टर इसमें देखिए, पुनः निर्मित प्लास्टिक निर्माण का उपयोग, प्लास्टिक भी खतरनाक ही है क्योंकि देखिए आप जलाएंगे तो भी दिक्कत करेंगे, अगर आप उसे दबा देंगे तो नष्ट नहीं होगी। प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी नष्ट नहीं होती है, जलाएंगे तो प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगी, तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तीसरा चैप्टर बड़ा आसान है। चौथे चैप्टर में आप देखेंगे पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन। तो इसमें ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान कार्य कर रहा है, जो कोई कुछ भी चीज़ का उत्पादन, विकास, किसी चीज़ की तरफ भी अग्रसर है, तो उस दौरान वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करता है जो पर्यावरण को नुकसान देने वाली चीज़ें होती हैं। कुछ भी वो उत्पादन करता है, भाई फैक्ट्री लगाकर कोई काम कर रहा है, उसका धुआं निकलेगा, ठीक है, वो चीज़ बतानी है आपको कि जो मानव कोई काम कर रहा है उसके द्वारा क्या हानि हो रही है पर्यावरण को। जैसे कि आप देखें कि पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन की मौलिक संकल्पना कीजिए। आप इसकी परिभाषा पढ़ें, देखिए मानव की प्रत्येक गतिविधि का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है, असर यह पर्यावरण के लिए हितकर होने की बजाय हानिकारक होता है। हालांकि मानव आज अपने भोजन, सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं के लिए इनका उपयोग किए बिना नहीं रह सकता है। तो वही चीज़ समझा रखी है कि भैया विकास करना है या कुछ आगे बढ़ना है तो हमें कुछ ना कुछ उद्योग धंधे लगाने होंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें करनी होंगी। अब जैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, देखिए आप हर चीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं, इनके बिना नहीं रह सकते हैं, तो निर्माण के लिए, विकास के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये नुकसान भी पहुँचाती है पर्यावरण को, तो इस बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। लास्ट चैप्टर अगर आप देखेंगे तो जो पाँचवा चैप्टर है आपदा प्रबंधन, तो आपदा प्रबंधन से मतलब है देखिए जैसे कोई आपदा आ जाती है, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, कोई तूफान आ गया,
कोई भारी बारिश हुई, कोई बादल फट गया, उस दौरान कोई आपदा हमारे ऊपर आई, तो उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, उससे बचने के लिए उसके लिए क्या काम किए जाते हैं, वो चीज़ें इसमें हैं। भाई अगर कहीं बाढ़ आ जाए तो आप क्या काम करोगे, वहाँ जाके राहत सामग्री पहुँचाओगे, उनके मकान बनवाने की कोशिश करोगे, उन्हें कहीं विस्थापित करने की कोशिश करोगे, जो वहाँ लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश करोगे, वो सब बातें इस चैप्टर में दी गई हैं। आप बना बना करके भी लिख सकते हैं, नहीं भी पढ़ेंगे ना तो खुद बना करके लिख देंगे। भाई अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि कहीं भाई बादल फट गया और बाढ़ आ गई, अब आपको कैसे बचाव करना, राहत काम कैसे करना है, तो आप कहोगे ना पहले तो जी हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ लोगों को निकाला जाए, कुछ ऐसे भी ज़मीनी स्तर पर भी आपको थोड़ी सी कार्रवाई करनी पड़ेगी, उन तक राहत सामग्री, खाने की सामग्री पहुंचानी पड़ेगी, इस तरह की आपको चीज़ें बना करके लिखनी है। अब जैसे क्वेश्चन देखें, आपदा को परिभाषित करते हुए प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं की विवेचना कीजिए। एक तो होता है प्राकृतिक, बादल फट गया, एक होता है कि इंसान खुद अपने कारण से ही आपदा को बुला लेता है। जैसे देखें प्राकृतिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रकृति के द्वारा होती हैं, बादल फट गया, बाढ़ आ गई, जो भी कुछ मैंने अभी बताई हैं। और मानव जनित आपदाएं क्या होती हैं, देखिए ये मनुष्य की गलतियों अथवा मूर्खता के कारण उत्पन्न होती हैं। इन आपदाओं के कारण कृषि तथा खाद्य उत्पादन बुरी तरह प्रभावित होता है, जान माल की हानि होती है तथा लोगों की उत्पादन क्षमता का विनाश होता है। तो ये चीज़ें हैं, आप देखिए बम विस्फोट, दुर्घटनाएँ, आपदाएँ, आग, भाई कुछ इस कारणों से आग लग जाए, कोई कुछ अपनी गलती ऐसी हो जाए जिससे कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा हो, तो वो आपदा कहलाती है, चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव जनित हो। अब इसमें उसका प्रबंध करने के लिए, उससे बचने के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए ही बताया गया, तो पूरा चैप्टर ये इसी के ऊपर है। तो 5 चैप्टर इसके अंदर हैं, यहाँ ख़त्म हो जाता है चैप्टर पूरा, और फिर यहाँ पर जो हैं आपके जो पेपर हैं 2018 से लेकर 2018-19-20 ये आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए 2019 का है, तीन साल के आपको इसमें पेपर मिल जाते हैं। बाकी फिर ये बन जाता है आपका बहुविकल्पीय, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो बन जाता है। तो ये सारा दिया गया है इसमें, तो बड़ा आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है याद करना, इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी का पेपर अच्छा जाएगा, भगवान आप सभी को पेपर में पास करें। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, धन्यवाद।